हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई विश कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शुरू में आपको बताऊंगा कि पीरियड्स क्लॉटिंग क्या होती है, यानी कि पीरियड्स में खून के थक्के क्या होते हैं, पीरियड्स में क्लॉटिंग होने के क्या कारण है, क्या रीज़न है और क्या कॉजेज़ हैं, और पीरियड्स में क्लॉटिंग यानी कि पीरियड्स में खून के थक्के कब आपके लिए सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, और पीरियड्स में क्लॉटिंग को रोकने के लिए यानी कि पीरियड्स में खून के थक्के को रोकने के लिए आपको कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए, कौन से होम रेमेडीज़ आपको करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए करिए। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पीरियड्स क्लॉटिंग होती क्या है, पीरियड्स में खून के थक्के होते क्या हैं। फ्रेंड्स, जब आपके यूट्रस में इंडोमेट्रियल सेल, प्रोटीन और ब्लड सेल आपस में मिल जाते हैं तो ये एक क्लॉट बन जाता है, एक खून का थक्का बन जाता है। और जब आपके पीरियड्स आती है, जब आपकी पीरियड्स डेट आती है और पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये आपके पीरियड्स के साथ ये खून के थक्के बाहर आ जाते हैं। ये क्लॉटिंग डीप रेड भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है और ब्राउन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं इसके क्या रीज़न है, इसके क्या कॉजेज़ है, इसके क्या कारण है। फ्रेंड्स, जब आपको फाइब्रॉइड्स हो जाता है, जब आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाता है, तब आपको पीरियड्स में क्लॉटिंग हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये फाइब्रॉइड होता क्या है। फ्रेंड्स, फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो आपके यूट्रस में हो जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक यूट्रस का डिजीज़ है, एक बीमारी है जो हो जाता है। होता क्या है कि इंडोमेट्रियल सेल जब आपके गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है तो उसे हम इंडोमेट्रियोसिस डिजीज़ कहते हैं। अगला जो रीज़न हो सकता है वो है एडिनोमायोसिस। ये भी एक तरह का इंडोमेट्रियोसिस के जैसा ही डिजीज़ है। होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इंडोमेट्रियल सेल आपके यूट्रस के अंदर वाली दीवार में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग होने लगती है। फ्रेंड्स, अगला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज हो जाने के कारण। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और जब आपका मिसकैरेज हो जाता है, जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, तब ये क्लॉटिंग आपको अपनी ब्लीडिंग में दिखाई पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अगला रीज़न है प्रेगनेंसी के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप बच्चे को जन्म देती हैं, जब आपका डिलीवरी होता है, तो आपका यूट्रस पहले के बनिस्बत थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग आने लगती है। फ्रेंड्स, अगला रीज़न है इररेगुलर पीरियड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो आपको पीरियड्स में क्लॉटिंग देख सकते हैं, पीरियड्स में क्लॉटिंग होने की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि आपके पीरियड्स काफ़ी दिनों बाद आती है तो आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में खून के थक्के काफ़ी दिन से पुराने हो जाते हैं और वो बड़े बड़े हो जाते हैं, और जब आपके पीरियड्स 40 या 50 दिन के बाद आती है तब आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, अगला रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएगी और आपको पीरियड्स में क्लॉटिंग नज़र आ सकती है, आपको पीरियड्स में खून के थक्के नज़र आ सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये पीरियड्स में क्लॉटिंग आपके लिए कब एक सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकती है, कब आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड्स में क्लॉटिंग हो रही है और ये क्लॉटिंग की साइज़ एक क्वार्टर साइज से काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी बड़ी आपको क्लॉटिंग देखने को मिल रही है, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, आपको बिना देर के इसे सीरियस लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लॉटिंग बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, यानी कि एवरी मंथ जब आपके पीरियड्स आती है और आप अपने पीरियड्स में ये क्लॉटिंग देखती हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए इसके रीज़न को पता करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके रीज़न को पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अगला है अगर आपको पीरियड्स में क्लॉटिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है और ब्लीडिंग के साथ आपको पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रही है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ी आपके लिए हेल्थ इशू हो सकती है, आपको बिना देर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसके रीज़न के बारे में सबसे पहले पता करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स हमने इसके हेल्थ इशू भी जान लिए। अब हम जानते हैं कि इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इसे आप घर पर ही कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर, कुछ होम रेमेडीज़ को अपनाकर इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है अदरक। जी हाँ फ्रेंड्स, अदरक की चाय। अदरक की चाय से आप अपने पीरियड्स में क्लॉटिंग को, पीरियड्स में खून के थक्के को ठीक कर सकते हैं। तो इस अदरक की चाय को कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अदरक की ज़रूरत होगी, तो अदरक को आपको पीस लेना है और एक चम्मच आपको अदरक लेना है और एक कप पानी में इसे डालकर आपको उबालना है। और जब ये ठंडा हो जाए, उबाल कर इसे जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आपको शहद मिलाकर, एक चम्मच शहद मिलाकर इसे हर रोज़ दिन में दो बार आपको पीना है। और जब आपकी पीरियड्स में क्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगी तब आप पीना छोड़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरा है गार्लिक, जिसे हम लहसुन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको करना क्या है, हर रोज़ आपको लहसुन की एक या दो कली, लहसुन में होती है ना छोटी छोटी कलियाँ, तो आपको एक या दो कली हर रोज़ दिन में एक बार आपको खाना है। जब आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग आनी ख़त्म हो जाए, जब आपके पीरियड्स में खून के थक्के आने बंद हो जाए, तब आप इस लहसुन को खाना बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला आपको वो सारे फूड्स खाने हैं जिसमें विटामिन ए, बी, सी और डी बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में आपको मिल जाती है। आपको वो सारे फूड्स खाने होंगे, वो सारे फ्रूट्स खाने होंगे जिसमें ये सारे विटामिन्स आपको मिल जाते हैं। फिर से आप ध्यान में रख लें, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये सारे विटामिन्स आपको खाने होंगे, आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग आने बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगला लास्ट और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपके पीरियड्स की क्लॉटिंग 100% ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने होंगे, आपको हेल्दी डाइट खाने होंगे, फ्रूट्स खाने होंगे और फूड्स खाने होंगे जो कि हेल्दी होते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करने होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा आपको। फ्रेंड्स अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग 100% ठीक हो जाएगी, वो भी बिना कोई मेडिकेशन के, बिना कोई दवा के। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, और उम्मीद है कि आपके मन से वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिया होगा और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये मुझे पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज़ बनाता रहूं, और इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये कोई आपके फ्रेंड वो पीरियड्स में क्लॉटिंग से बहुत ही परेशान होंगी तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास हो जाएगी। और इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड